अस्सलाम वालेकुम आल वीवर, क्या हाल है? ठीक हो? खैर खरीत तबीयत सिया ठीक है? उम्मीद करें ना सारे बिरा ठीक हो सो तुहाड़ियां दुआएं नाल अलहमदुल्ला मैं भी ठीक हूँ। आज की साड़ी वीडियो है जनाब, अज असा आए खले हैं गड्डी खाली करके शेखपुरे अड्डे ते खले हैं। अज एतवार है, कोई नहीं रूटीन बनती पाई माल दी लोडिंग दी, ते एक दो अड्डे वाले आसरा कराई तो खलन आज तैन भाई गड्डी लोड कराने चावल ही बने खलन ते गोभी भी है। हूँ जेड़ी तरतीब बन सी जेड़ा माल सौखा मतलब मौसी या किराया शिराया वह कलियर हो गई सी, नाली कलियर नहीं होता पिया सिर्फ आसरा दी खलन। जेड़े माल कलियर हो गया वह तला खैर करे लोडिंग दे बाग वैसा, जेड़े माल ते वैसा वातुआ नाल सारी वीडियो शेयर करे सा। ते जिस भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर छुड़े सी और वीडियो लाइक कर छुड़े सी। मक्खन ते शक्कर ते मर्चां ते देसी पराठे दाल है मल्ली देसी नाश्ता। ए भाई जान, इस टाइम असा सरगों ते जाल चक्कियां खले हां। ए जाल चक्कियां दाल वाला बड़ा मशहूर होटल है, बड़ा मशहूर होटल है। ते रोटी इन्हों की बड़ी जबरदस्त है, बड़ी अच्छी रोटी है। साइड तो इन्हें पार्किंग बनाई हुई है, ये सारिया गड्डिया खड़ी पार्किंग साड़ी गड्डी खड़ी है जी, रात में पार्किंग की आई इतने अगले पास तो उन्हें कोई ना इलाव दी थी रोटी वाले चौकीदार आ गया रात में ना पिछली साइड पर खड़ी करो गड्डी जो अगलिया गड्डिया वा आने वाली गड्डियों वास्ते मसला ना बने होटल वास्ते। इतने रात में खड़ी की थी उन्होंने खैर करे आर्डर भी खा दी खाले हाँ जिस टाइम आर्डर निकले वास्त लोडिंग के बाद बैठा। ये नैक साढ़ा बैठा गड्डी के बिच साला मारी बैठा प्रेशर बने पिया ते सफाई सफुई की थी सुन माशाला गड्डी ना बड़ा दिल लाई खाला बड़ी सफाई करें राज के अल्लाह पाक कामयाब करे। पंजाब शहर पहुंच आए हाँ सी सरगोज रोड पे मलक इमरान आज ही मलक इमरान ले ले चंगे जोड़ी खड़ोता केले अगू ले शहर अच्छा सामने जी गड्डी खड़ोती ना गढ़ मोड़ दी चंग वाली साइड सारे रोड तो चढ़ गए जा रहे हैं पुल कमरे ते लकड़ लोड करनी से बिचले लोड ते जा रहे हैं बिच रोड जाना ना मिठे टवाने बुताले मोड़ तो बिच बुताले शहर जाना सिंगर रोड उत्ते जा रहे हैं ते पुल कमरे ते जाना से लकड़ लोड करनी बाकी इंशाल्लाह मस्जिद ये रात उत्ते छोटी जी ना हाल तैयार हो रही है। चलो अल्लाह पाक तौफीक देने ते घर वाले यार बहुत तंग करे ने रस्ते ही नहीं देंदे सन तो हाँ भाई जान पोल कामरे ते ब्रेक मारी से होटल ते असा के रोटी खा ली हुई हो सकता अगर कहें कहें जा ते जिते लोडिंग करी दी है होटल लभद नहीं ते असा के चलो रोटी तो खा ली बात निकलने नैक साढ़े रोटी लग गई है जी रोटी आ गई है राती कढ़ाई खाधी से जी जाल चक्कियां ते आज यार बड़ी गर्मी हो गई है कढ़ाई नाल मैं आखे यार कोई आलू अंडा या कोई होर सब्जी या कोई कोई दाल शाल मंगा ते ये हूँ जनाब आलू अंडा मंगाया से जी रोटी खा के हूँ बाद निकलने वाला खैर करे जी। आए भाई जान आए खले हैं पोल कामरे लोडिंग ते ढाल ते अपने खले हैं ते कंडा करा के हम साइड ते खले हैं बंदा आंदा बाद लोडिंग दसेंदा है जेड़ी जात लोड करनी है जेड़े धक्के लावनी है धक्के बने हुए इतों लोड करे सो
आ जनाब नया मिठाई लाया है पोल कामरे की जाने बड़ी मशहूर है। आ कैसा जलेबियां आ जलेबियां तो आ जनाब खोआ खोआ तो बड़ा टाइट है। हाँ आ खोआ जनाब अगर वीवरों खामने ने तो आ जाओ बड़ा मशहूर खोआ इतों का पोल कामरे का। चमचा अपने ले आवे चमची अपनी लाया आनी हाथ नाल खावना पमदा इथे दा बारी भाना पा लवी है जो काबले चेक कर लवी काबले ढिले हो संत वत जंपा शंपा काबले त्रुड़े हुंदी है। जोर लाइया मार जोर लाइया सही टाइट की हां भाई जान आरा चलदा पिया ते इथे दस की लक्कड़ दी कटाई करेंगे पैन लक्कड़ दी कटाई करके वक्त मुकम्मल करके गड्डियां लोड करेंगे। तो जनाब आरा चलता पिया दस लक्कड़ की कटाई करेंगे हाँ जनाब माल रेहड़ियों तो लाया हमने रेहड़ियों तो लाया पिया तो दस जनाब आरे तो कटाई करेंगे कारीगर भाई बड़े कारीगर हैं आरे दो क्या बात है मेहनत मरे में खेल लक्कड़ की कटाई करके हुक्का से मरे में हाँ जनाब टीटर चलता पे पर लिखा है टीटर को अजीब नमूने ने मंगाया ने आ रहे तो फिर टीटर है हाँ भाई जान गड्डी लोड होनी पड़ी है हाँ लोडिंग शुरू कर खड़ी ने कोई गड्डी लोड हो खड़ी अगले पास में शाम हो खड़ी है रात टिकट से दस हज़ार बजे और दिन और डंडे ला के आ करेंगे कि छप्पर लाए सन छप्पर ला के तो लोड करे सन काम आई काम चार साढ़े चार सौ मान लक्कड़ लोड करनी आई थी पाँच सौ मान हो गए तो ताही बेहतर फायदा हो गई थी बाकी अल्लाह खैर करे सन लगे तो खड़े कोशिश नहीं आए शहर के जनाब आरा चलता पे दस की लक्कड़ काट काट के तो लाई हमने तो गड्डी लोड करें तो पैन हाँ इस साइड तो जनाब आ जनाब गुटका साइड तो लेंदे पैन ते अगले डंडे लाए ने सिर्फ छप्पर वास्ते हाँ छप्पर लोड करे सन तो माल ए चंगा कट सन ज़्यादा डंपर करे सन काफ़ी डंपर हो गया अल्लाह खैर करे सी इंशाअल्लाह जनाब आ रहे तो लक्कड़ बड़ी पई है बड़ी लक्कड़ पई है आओ एक गड्डी लोडिंग पे आई खड़ी है बेड फोर्ड लक्कड़ दे अमरास लग पे बड़ी लक्कड़ पई है साड़ी गड्डी तो माशाल्लाह जिला नौ दस बजे लोड करके काट चले सन अल्लाह के हुक्म नाल इंशाअल्लाह खा यार खा चलिए बस लेट होनी पई है चाह तो बाद पिसान चाह पी ले सा बाद शुरू कर मलिक इमरान ते हाजी अब्दुल खालिक साहब खामना ते आ जाओ नहीं तो असा तो शुरू करेंगे पोल कामरे का बड़ा मशहूर सौगात है। हाँ भाई जान कट्ठे वाला पहाड़ चढ़ते पे हाँ पहाड़ शुरू हो गया तो हूँ कट्ठे वाला पहाड़ चढ़ गया है इंशाल्लाह बहुत मुश्किल मोड़ है जी पहाड़ी दरख्त मोड़ आना मोड़ गड़ी बड़ी खाई ना अगर सीधी वो खरा थी अच्छा मोड़ों तो पता ही नहीं लगता भाई केड़े पासे मुड़ना तो केड़े पासे नहीं मुड़ना हाँ डंपर वाला ही तो साथ पहले तो निकले आया मैं फैशन कार कार थक गई हाँ हाँ लाए देखो का चांदी आज हाँ अग मोड़ ही आ गया तो मोड़ ही बड़ा सख्त है तो डंपर वाला ही बिल्कुल मट्ठा पादा चलो आसरा कारवाई ने आए
अच्छा इस मोड़ हाजी साहब और लड़का खिलाड़ी आ गया। अच्छा मोड़ क्या आखिर भाई दिया हो अच्छा लड़के खले आते तो समय इस काला में रहने हो ठीक ठीक अच्छा मोड़ तू साया तो हाजी साहब और आसरा हो गया जी। बड़ा बड़ा पहाड़ है बड़ा बड़ा पहाड़ है हाजी साहब और मोड़ भी खा छोड़ा अल्लाह अकबरी भाई बोर्ड ला खा रहे हैं हाँ मोड़ तो पता ही नहीं लगता पे कि पास मोड़ना अच्छा तो ये निशान लगे हुए इस पास मुड़ना ही नहीं साइड से सख्त मोड़ है या अगला मोड़ तो पता लगे हाँ अगले शीशे लाए हुए हैं भाई मोड़ पता लगे भाई गड्डी गड्डी अपनी पई है ट्रक करा लिया बड़ा वड्डा पहाड़ है तेरी खैर कट्ठे वाला पहाड़ तो सुनो असी जै नहीं वेख्या वीडियो लाजमी वेख्या फॉलो आज कर जिला खुशाब ओ हेठा रोड भी यार तो गाना सा जी से पहाड़ का बने होया सफर पहाड़ियाँ दे घट औखे मोड़ आईया सारे तो मुश्किल मोड़ है बहरहाल पहाड़ तो हैं बलोचिस्तान दे ये तो निकिया निकिया पहाड़ियाँ मशहूर है लेकिन कोई नहीं जेड़े उत्ते मोड़ कोई ना है पड़ा पहाड़ों का देश बलोचिस्तान गड्डी वाले पता नहीं क्या बने पहाड़ इतों अगर उतरा ही शुरू हो गई है बड़ी ज़ालिम उतरा ही है आप ही जोर ला तो नाल पैर से जोर दे राकट वाला भाई सही धुआंधार की थी भाई नाल जिंदाबाद तेरी जिंदगी जनाब पदराड़ क्रॉस कर गए क्रॉस करके तो अगर काफ़ी अगर आंदा म्याणी अड्डा म्याणी अड्डे ते नाश्ता करूँगा जी हाँ इतने होटल तो रुके हैं नाश्ता करके तो वहाँ अगर तकरीबन को रहा भी 25 किलोमीटर सफर रहा जिते गड्डी खाली करनी है रोड का व्यू चेक करो जी बड़ा प्यारा इलाका जी जबरदस्त हाँ जनाब अड्डे में आनी तो नाश्ता करा लगा जी जै नाश्ता करना जनाब आ जाओ चाह पराठा पराठा इतों का बड़ा मशहूर है बड़ा जबरदस्त होटल है VIP बड़ी लोकी है होटल की थले जी दरबार है मोरा वाली सरकार गैप हो गया दरबार ही रोड जा रहा चंगा उच्चा खंबा लाए हुए ओ उत्ते टावर लाए हुए ने सामने भूसा का तेल आई है
मशहूर दरबार आई लाई कलाकार मशहूर लाई कलाकार सख्त मोड़ लाई बड़ी सख्त है थे सारा कलाकार शहर पा सामने पर झील ही है जिते सारी दुनिया आती फिर झील तो मैंने पा घड़ी झील कलाकार झील तो मैंने अवान एक्सप्रेस आ रहे अपने सामने अवान एक्सप्रेस आ रहा है ओ आदर पे बड़ी साफ सुथरा डैम है अवान एक्सप्रेस कल दरबार है सामने और आई सरकार है सामने दरबार दो चौथे दरबार है दो सामने दो दरबार है और सामने चीज हाँ ट्रैक्टर खलन जड़ियाँ गड़ियाँ खलोवाइंदियाँ उन्होंने छिकन वास्ते जनाब बाजार है हाँ साढ़ा उस्ताद है सौ पहाड़ा गड़िया ला के आवाइन सौ समझ नहीं लगती इतना करना के बड़ी उतरा शाह जी होटल है अपना होटल है जनाब इत कोई टेंशन का नहीं हर सफर ही मिल सी हाँ पहाड़ चेक करो जी दरबार है जनाब कलाकार माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन दरबार है जी हाँ काम नु लगे खले नहीं चलना बंदे बड़ी उतराई घूमनी पई है हाँ सारा सफाई ध्यान है जनाब जंगल बने खला हाँ जनाब गर्विस खाली है जनाब पत्थर दौरिया मशहूर हैं इतों दी जी हाँ देख लो बड़ी बड़ी दुकान है जी अर्क अचार ते गुलकान ते माखी ते वगैरह वगैरह है सुराइया पाई ने जनाब बड़िया वी आई पी दुकान बड़ा खर्चा किया होने के हाँ जनाब इस साइड से केले लगे खले आप लुकाट तो बाग है ये सारी दरबार की सौगात है हाँ लुकाट के उत्ते जनाब दरख्त से बी लगा खला ये मियाँ वाली होटल एंड रेस्टोरेंट है हाँ जनाब थाना कलर का हार दा राज वेख लो थाने का है जनाब चकवाल सुरां का 26 किलोमीटर कलर का हार 1 किलोमीटर आ वेख सकते हो बोर्ड पढ़ सकते हो जनाब मत ख्या ड्राइवर मियाँ इं बंदे नहीं तो इं ठोकी पे होंगे भाई पाकिस्तान सीमेंट फैक्ट्री को पहुँच आया इतू है गेट तो लगे अज के गड्डिया वह कोला शोला लावे मिट्टी हो गई यार पत्थर शत्थर यार बॉर्डर शोडर लान पैदा है राह जा रहा जितू गड्डियाँ लोड होने पैदा ठीक है अस इस राह जाना तकरीबन इस ते 3 किलोमीटर और अगे जाना जित असी गड्डी खाली करनी ये बाकी सामने तो प्लांट लगवाया पहले तो पाक सिम आई लेकिन हूँ बेस्ट वे जेंडर चाह गई ना हूँ प्राइवेट हो गई है पहले तो पाक सिम आई हूँ दो ही बन गई बेस्ट वे ये नाल नाल आ रही दीवार सामने है उत्थे एक करके गड्डिया खलोतियां उसे उत्तर लोड होंगे ठीक है इतने सीमेंट समय बढ़ता सारा समान समान बढ़ता इतने पैकिंग होती पैकिंग होकर बाद वो सामने तुम वेख रहे हो पैंप जो लगवा वो अगर मैं सीमेंट बाद तो सौ गोलियों के जोड़े बने घेर सड़े ना सीमेंट के ड्रम ज वो सीमेंट आता उतो सीमेंट पैक होकर बाद अगर आता अगर आ के बाद आ पाता जितने चिपटा तो उस गड्डिया लोड होंदियां मजदूर लोड करे
ਤੇਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਗੇਟ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 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 ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਸ ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇਹ ਗੇਟ ਹੋਰ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਗੇਟ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਸੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੇਟ ਤੋਂ ਇੰਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗੇਟ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੰਜ਼ਲ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਰਸਤੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਸਿੰਗਲ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਕੱਚੀਆਂ ਜੋਲ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਹਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਥਲਾਇਆ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਰਸਤਾ ਆਈ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਈ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੰਜ਼ਲ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੋ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਛੋੜਨੀ ਹੈ ਮਿਲਸਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।